आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रुक करते हैं खबरों की ओर। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील में तैनात लेखपाल नजमुल हसन का सुविधा शुल्क लेते हुए वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों का कहना है कि ये वायरल वीडियो करीब एक हफ्ते पहले का है, जिसके बाद इस मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसके बाद उन्होंने कार्यवाही का आदेश भी दिया है। नहीं देखिए, अभी कोई जनरल शिकायत है, ये जनरली शिकायत है, पर एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जिसमें लेखपाल में, तो उसमें हम लोग अपने तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। और कोई स्पेसिफिक कहीं पे शिकायत है तो आप लोग बता सकते हैं उस पे। खबर आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र से, जहां देर रात बदमाश प्राइवेट टाटा इंडिकैश के एटीएम को उड़ाकर ले गए, जबकि कंपनी ने सुरक्षा गार्ड की भी तैनाती नहीं की थी, जिसकी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर एसएसपी सहित कई थानों की फोर्स पहुंची और बदमाशों की तलाशी में जुट गई है और कई टीमों का गठन भी किया गया है। खबर अलीगढ़ के थाना गोंडा के नगला बिरसुख से है, जहां पे अज्ञात बदमाशों ने शराब सेल्समैन से 1,30,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया और चाकुओं से हमला करके युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं घटना युवक ने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने उससे पैसा, मोबाइल और गाड़ी की चाबी छीनकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए घायल की तलाश शुरू कर दी है। खबर औरैया अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के सिकरोड़ी रोड की है, जहां सुबह सुबह कुछ लड़कों ने एक गाड़ी के पास खून पड़ा देखा, जिसकी सूचना अजीतमल कोतवाली पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी से कुछ ही दूर पर खेत में एक युवक का शव पड़ा मिला। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस घटना का जल्द ही खुलासा किया जाएगा, जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जिसमें बताया गया कि एक गाड़ी अजीतमल क्षेत्र में खड़ी है, ये है, और गाड़ी के साथ में दूरी पे थोड़ी सी दूरी पे एक शव बरामद हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची है, एफएसएल की यूनिट पहुंची है, सीओ साहब, मैं एडिशनल एसपी, मैं स्वयं मौके पे आया। अभी जो मौके पे आकर के जांच पड़ताल की है, उसमें एक गाड़ी बरामद हुई है, वैगनर सफ़ेद कलर की, जिसका नंबर HR55AE9970 करके है, और गाड़ी के चालक जो रहे हैं उसका शव बरामद हुआ है। इनकी पहचान अभी मुकेश सन ऑफ धर्मपाल के रूप में बताई जा रही है और ये रहने वाले सोना डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव के बताए जा रहे हैं। अभी पुलिस द्वारा इसमें सभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करी जा रही है और फील्ड यूनिट द्वारा जो भी मौके पर एविडेंसेज उनको कलेक्ट किया जा रहा है, सभी तरीके के साक्ष्य संकलन के साथ। खबर बुलंदशहर के देहात कोतवाली के राइस मिल की है, जहां मुखबिरों की सूचना पर जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी के दौरान 269 बोरे सरकारी चावल पकड़े हैं और करीब 5,00,000 की नकदी भी बरामद हुई है। साथ ही डीएम ने जांच करते हुए दावा किया है कि दोषी पाए जाने वाले सभी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मुझे कई दिन से गोपनीय जानकारी मिल रही थी कि सदर का जो हमारा मार्केटिंग का गोदाम है, वहाँ से जो हमारा गरीबों का खाद्यान्न है, वो कालाबाजारी करके राइस मिल में ले जाया जा रहा था। आज हमने रेड कराई, मौके पर एक ट्रक में लदा हुआ लगभग 260 बोरा चावल और 174 कट्टे जो उनको उतार करके बदल दिया गया था, दूसरे बोरों में रख दिया गया था, और उनके खाली बोरे सरकारी बोरे जो हैं बरामद हुए हैं। इसके अलावा 5,10,000 रुपये नकदी भी बरामद हुआ है। मौके पर पूरा राइस मिल के कंपाउंड में ट्रक खड़ा हुआ मिला है और उसमें जो राइस मिल के ओनर हैं, इन सबकी पूरी संलिप्तता है और इसमें इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो राजकीय कर्मचारी हैं जिनकी देखरेख में हुआ है उसकी भी जांच। खबर हाथरस के थाना मुरसान की है, जहां एसओजी टीम और थाना मुरसान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटे हुए करीब 2.5 लाख रुपए, मोबाइल फोन और अवैध असलाह बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक एसओजी टीम को 25,000 के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 6 शातिर लुटेरों का गैंग गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लूटे हुए करीब 2.5 लाख रुपए नगद पुलिस ने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त
दो अवैध तमंचा और भारी मात्रा में जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल तथा इसके अतिरिक्त एक चोरी की मोटरसाइकिल पुलिस ने इनके कब्जे से बरामद की है। इनके द्वारा एक लूट की घटना में मोबाइल फोन जो लूटा गया था वो भी पुलिस ने इनके कब्जे से बरामद किया गया है। इन छह अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ की गई है। इनके द्वारा जनपद हाथरस में माह अक्टूबर में, माह नवंबर में तथा दिसंबर की शुरुआत में विभिन्न स्थानों पर कैश लूट तथा मोबाइल लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके अनावरण हेतु मेरे द्वारा एसओजी टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा अथक प्रयासों पर। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।